To become a better leader of tomorrow in just a short amount of time, subscribe to our Archmani Cliff channel. कुछ साल पहले इंडिया में menstrual product के ऊपर से GST हट गया, tax हट गया. Oh nice. Right. Okay. So there is no tax. So it's a tax-free product. Sanitary pads are tax-free. Sanitary pads, tampons, reusable pads. Menstrual cups. Menstrual cups पर है. क्यों? Cups is luxury. क्योंकि cups बाद में आया था. Okay. उन्होंने क्या कि menstruation products पर नहीं होगा. तो menstrual cup के लिए now we are fighting कि भाई इसको भी हटाओ. ये तो menstruation product. Now जब बाहर country में, Scotland में और कुछ country में ना menstrual products free distribution होने लग गई government की तरफ से, इंडिया में hue and cry हो गया कि भैया इंडिया में भी free करो. It should be free. मतलब आप उसको पैसे नहीं, government free में डाल देगी. Okay. यार population देखो यार हमारे देश की, अगर आप बोलते हो कि 600 मिलियन लोगों को चाहिए या 600 मिलियन मेंस्ट्रुएट, अगर 300 मिलियन है उसको फ्री देने के लिए कितना रुपया चाहिए? पॉसिबल नहीं है. सो मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ यार वी जस्ट कांट कॉपी व्हाट वेस्ट इज डूइंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फर्स्ट व्हिच हैपन इज कि उसके पास GST नहीं है. बट वो भी एक तरह से देखा जाए कि प्राइसेस बढ़ गया उसके कारण. ओके. रीजन क्यों? गवर्नमेंट ने सेल पर टैक्स हटा दिए, परचेस पे. बट मैन्युफैक्चर अगर मैं कर रहा हूं ना तो मेरे को उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा. क्या बात कर रहे हो? तो अगर मैं 10 रुपए का सामान बचा रहा हूँ, बना रहा हूँ, उसमें मेरे को 118 रुपए का कॉटन खरीदना है, आपको पैड खरीदना, कोई GST क्रेडिट कोई चीज का नहीं है क्योंकि आप सैनिटरी नैपकिन बेच रहे हो या टैम्पॉन्स बेच रहे हो. तो मेरा तो कॉस्ट बढ़ गया. अदरवाइज आई वुड गेटिंग एन इनपुट क्रेडिट. इनपुट हां, तो वो 18% तो वो किसको पास ऑन करूंगा? 5% किसको पास ऑन करूंगा? कंज्यूमर को. इंडिया में ना सैनिटरी नैपकिंस भी न्यूज़पेपर में रैप करके बेचते हैं, ठीक है. और आज भी मैं रिसेंटली अभी मैं सैनिटरी नैपकिन खरीदा था, शायद मेरी किसी फ्रेंड के लिए या बहन के लिए, आई डोंट रिमेंबर किसके लिए खरीदा था मैं थोड़ा टाइम पहले, कि हम लोग क्लब से बाहर आए थे रात को ही और सैनिटरी नैपकिन खरीदने गया अकेली. रात में शायद 1:30 बज रही होगी, हम लोग सब बाहर निकले, 4-5 दोस्त थे, तो मैं अकेला कार से उतर के लेने गया. 1:30 बजे एक केमिस्ट की शॉप है, उसमें भी वो काले ट्रेप पेपर पेपर में रैप करके ब्लैक पन्नी में दे रहे हैं. नहीं नहीं, इंदौर में. राइट. तो हमसे कि यार भाई तू मतलब इधर तो कोई देख भी नहीं रहा है, अगर तुझे कोई परेशानी भी है तो. अभी तक वैसा वो टैबू है, राइट. सैनिटरी पैड लोग ऐसे करके देते हैं. ऐसे मार्केट में आप फीमेल कॉन्डम्स लेके आए हो, राइट. सो आई वांट टू नो कि ये क्या, व्हाट लेड यू टू दिस, कि मैं ऐसे प्रोडक्ट बेचता हूँ जो बहुत टैबू वाले हैं तो मैं कुछ ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने में मिलेगा, या मैं ऐसे प्रोडक्ट बेचता हूँ कि जो मेरी कस्टमर फीमेल है तो मैं इन्हीं को सॉल्व करता हूँ? क्या है, कितना क्योंकि आई हैव नॉट सीन, मैंने प्राउडली लोगों को देखा नहीं कि कॉन्डम्स खरीद रहे हैं या सैनिटरी पैड्स खरीद रहे हैं. बड़ा डर डर के खरीदते हैं बॉम्बे में भी, राइट. मुंबई हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, लोग ऐसे ही खरीदते हैं. यू नो, एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये आंसर करना. और अगर मैं इसे बोलना शुरू करूंगा शायद मैं चुप नहीं हो. नहीं बताओ, आज बोल दो. पता है, पहले सैनिटरी नैपकिन का बात करते हैं. आप बोलते हो कि ये काली पन्नी में न्यूज़पेपर में रैप करके बेचते हैं, और आज भी होता है, पुरानी बातें नहीं है ये. मैं अभी बोलूंगा 90% अभी भी होता है. नहीं, शायद कम और हो गया, 80% तक अभी भी होता है, राइट. पहले याद करो, कोई केमिस्ट में या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में कभी देखे थे सैनिटरी नैपकिन इस तरह से डिस्प्ले एयरपोर्ट स्टोर में? आजकल होती है. हाँ. तो चेंज हुआ है. सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम मेंस्ट्रुएशन को, महामारी को, हम क्या समझते हैं कि ये डिजीज है, और बिकॉज ये इंटीमेट है लोग को पता नहीं होना चाहिए तो टैबू है. आपको तो टैबू पता ही है ना, अचार मत छुओ, ये मत करो, अलग बैठ जाओ, वो मत कर जाओ, क्या क्या नहीं है इंडिया में. बट थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू द जेंजीज, योर जनरेशन, मिलेनियल्स, आई थिंक थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग ओनली टू द इंस्टाग्राम वर्ल्ड. पर नए गांव में अभी भी नहीं होता है, राइट. सैनिटरी नैपकिन का पेनिट्रेशन क्यों कम, आपको पता है राज? हमें फिर डिस्पोजल करने के लिए बाहर जाके फेंकना पड़ेगा ना, तो लोग को पता लग जाएगा कि मैं पीरियड्स पर हूं. ये भी एक कारण है. सो ये चेंज हो रहा है धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम, राइट. अबाउट सैनिटरी नैपकिन, नाउ योर क्वेश्चन वाज व्हाई आई एम गेटिंग इनटू ऑल दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट वेयर देयर इज अ टैबू. तो यार एक पर्पस था ना, जब वो
बीवी को यूटीआई हुआ तो चालू किया, उसके बाद फिर हमने बनाया यार वेयर वी हैव टू प्लेस आर सेल्फ अ पीसिव ब्रांड, किस कैटेगरी में, किस जॉनर में हम काम करेंगे। मैं बोला यार इंडिया में वुमेन हेल्थ पर सबसे कम पैसे खर्च होते हैं, हमारे हेल्थ पर ही जीडीपी का शायद 3% है, हेल्थ पर खर्चा होता है जीडीपी का, और उस 3% में से भी शायद मेरे ख्याल से 10% वुमेन हेल्थ पर है, चाइल्ड एंड वुमेन पर। तो कितना पैसा आता है ये देखो आप, पहला चीज। बोला कि कैसे इसको किया जाए, क्या किया जाए। सो एज अ पर्पस वी वॉन्टेड टू क्रिएट और ब्रिंग इन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज। एक गर्ल 10 साल में, आजकल 10 पहले 12 13 में होती थी, आजकल 10 साल से प्यूबर्टी आती है टिल मेनोपॉज विच इज लेट 40s और अर्ली 50s। 40 साल अगर मेरे को एक कस्टमर मिलता है और अगर मैं उसको टॉयलेट हाइजीन, सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल केयर, सेक्सुअल वेलनेस आंसर टू योर फीमेल कॉन्डम्स एंड ग्रूमिंग, जो कि हेयर ग्रूमिंग, जो कि आफ्टर कोविड पर्सनल ग्रूमिंग काफी स्ट्रांग हो गया बिकॉज लोग को समझ में आ गया कि भाई पार्लर नहीं जाके हम यही कर सकते हैं। जब इस चीज को लेकर हमने जब ये जो अम्ब्रेला हमने सोचा, तब देखा यार हर जगह टैबू है, मेंस्ट्रुएशन में टैबू है यार। लोग मुझे, मैं पीसेफ लॉन्च किया था ना, लोग बोलते पी करके कोई ब्रांड नेम रखता है यार, आई डोंट वांट टू बी सीन कैरिंग अ पी, बट नाउ इट्स कूल टू कैरी, बिकॉज हमने कूल बनाया, हमने स्टोरी से कूल बनाया। हमने जब मेंस्ट्रुअल कप बेच रहे हैं तो हमने कैंपेन किया था पास द कप, मेंस्ट्रुअल कप को कप की तरह से लगाया था, कोई क्रिकेट टूर्नामेंट था तब, पास द कप और ब्रिंग होम द कप, इट वाज अ मैसिव कैंपेन फॉर अस। पीपल द बॉयफ्रेंड्स द हस्बैंड्स द ब्रदर्स वर गिफ्टिंग मेंस्ट्रुअल कप्स टू देयर सिस्टर्स एंड द वाइव्स एंड द गर्लफ्रेंड्स। इंटरेस्टिंग, यू नो देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इट, वी वर वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड टू यूज ब्लड ऑन अ सैनिटरी नैपकिन इन अ डिजिटल मूवी और अ डिजिटल फिल्म। हम पहले क्या यूज करते थे अगर आपको याद होगा, ब्लू लिक्विड, बट मैंने ब्लड यूज किया था। फॉर गुड 3 months माई लिंक्डइन प्रोफाइल वॉज होल्डिंग अ सैनिटरी नैपकिन सोक्ड इन ब्लड। कितने लोगों ने मुझे कहा ग्रॉस, क्या कर रहे हो, दिस इज व्हाट आई एम। यू नो वन मोर थिंग अबाउट LGBTQ कम्युनिटी, यस यू टारगेटेड देम वेरी वेल एज वेल, इट वॉज अ वेरी सेंसिटिव एरिया, राइट। आई वॉन्ट अंडरस्टैंड बिकॉज इन माई रिसर्च देर इज that specifically catering to the issue of menstruation experience by transgender men. Yes. Okay, so what was it? Can you explain how transgender men menstruation wo kaise feel kar, kaise hota hai unka menstruation process? Aapne abhi tak mere muh se is conversation mein suna ki women, maine kya menstruator use kar raha hu word. Okay. Because men also bleed. The transgender men, they are menstruator as well. पता ही नहीं था मुझे ये। Yes. आप बता सकते हो? If a biological, okay, if is born biological as a woman, then she'll bleed or he'll bleed. आपके यूट्रस है, it means you're gonna bleed. No matter you are a man or whatever you have gone to the this thing, but you'll bleed. उनका कौन ध्यान रखेगा? That's why we use the word menstruator. Thank you so much for watching this clip till the end. For more such amazing, insightful clips, please subscribe to our channel.